तेरा सारा कंटेंट पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू के ऊपर ही क्यों है भाई? मेरे को व्यूज चाहिए, बड़े बड़े क्रिएटर को अपने वीडियो में लाके मेरे को व्यूज चाहिए। सेम ऑन यू मैन, सेम ऑन यू। एक सेकंड, ये डायलॉग तो तुम्हारा नहीं है, ये किसका डायलॉग है? ये घमंडी का डायलॉग है। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो मिड पैक पोकेमोन गेम खेलने के बाद हम जैसे यूट्यूबर्स को कुछ ज़्यादा ही व्यूज़ आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चैनल की ग्रोथ जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स से 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो ये बात बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो फेक है या ओरिजिनल कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस व्यूज़ का चक्कर बाबू भैया, व्यूज़ का चक्कर। तो मैंने गूगल पर रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू निंटेंडो स्विच पे 2018 पे रिलीज हुआ था, और उसके बाद आज के टाइम पे 4 साल या 5 साल बाद ये गेम थोड़ा बहुत पॉपुलरिटी मिल रहा है। इस गेम को क्या बताएं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मिड पैक गेम खेलने के बाद इस गेम को थोड़ा बहुत पॉपुलरिटी मिल रहा है। 2018 में ये गेम जितना पॉपुलर नहीं था, अब ये गेम उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब तुम लोग बोलोगे इसमें तेरा क्या है, इसमें मेरा कुछ नहीं भाई, इसमें मेरा कुछ नहीं है। बट एक बात है कि ये गेम मिड पैक खेलने के बाद मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। अभी तक 4000 घंटा पूरा नहीं हुआ, लेकिन सब्सक्राइबर्स तो पूरा हुआ ना, यही बड़ी बात है। बट देखो, हम सभी क्रिएटर्स यहाँ पर व्यूज़ के लिए आए, अगर व्यूज़ कम है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, अगर व्यूज़ ज़्यादा है तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो सारे यूट्यूबर्स व्यूज़ के चक्कर में ही वीडियोस डालते हैं, ये बात आप लोग सभी जानते होंगे। लेकिन एक बात आपने नोटिस किया होगा कि मिड पैक पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू खेलने के बाद जो उसका एवरेज व्यू है, उसमें पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू थोड़ा बहुत कम व्यूज़ आ रहा है। आप लोग बोलोगे 2-3 मिलियन व्यूज़ आ रही है, कम क्यों? लेकिन गाइज, अगर आप मिड पैक का पुराना वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि पुराने वीडियोस में भी 4-5-6-7 मिलियन व्यूज है, लेकिन पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू में 3-4 मिलियन व्यूज है। तो ये बात आप बोलोगे कि तुझे क्या, ये तेरे को क्या फर्क पड़ता है? देखो गाइस, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं कुछ पॉइंट्स ना क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। देखो यार, इंडिया में पोकेमोन की एनिमे जितना फेमस है, इंडिया में पोकेमोन की एनिमे बहुत फेमस है, करोड़ों में व्यूज आता है, और मैं भी पोकेमोन का बड़ा फैन हूँ। लेकिन जितना एनिमे फेमस है उतना पोकेमोन गेम्स फेमस नहीं है। मुझे पता है कि एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर उतना अच्छा पोकेमोन गेम्स नहीं मिलता, लेकिन गाइस पीसी में तो है ना। आज से आठ या 9 महीने पहले टेक्नो गेमर्स पोकेमोन यूनाइट गेम खेले थे, लेकिन वो भी एक पेड प्रमोशन था। पोकेमोन गेम्स को इंडिया में कोई खेलना नहीं चाहते। आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर इस गेम को, पोकेमोन गेम को कभी प्रमोट नहीं करते, मुझे पता नहीं क्यों। सो इन जनरल मुझे पता नहीं कि ये वीडियो में कितना व्यूज आएगा, हो सकता है 100, 200, 300, 400, 500 तक आए, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस वीडियो से मैं एक ही बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि पोकेमोन गेम्स को इंडिया में थोड़ा बहुत भी प्रमोशन करना चाहिए। मैं पेड प्रमोशन की बात नहीं कर रहा, खेलना भी चाहिए, एंड्रॉयड के अंदर नहीं तो पीसी में भी बहुत सारा। मुझे पता है कि पीसी के अंदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग पोकेमोन गेम्स है, लेकिन कोई भी यूट्यूबर, बड़ी यूट्यूबर इन गेम को प्रमोट नहीं करते। लेकिन मिड पैक बहुत दिन बाद, 4 साल बाद पहली बार पोकेमोन खेल रहा है और वो गेम को प्रमोट भी कर रहा है। एक तरह से आप लोग बोल सकते हो कि ये गेम को मिड पैक प्रमोट भी कर रहा है, पेड प्रमोशन नहीं है ये, इस गेम को खेल रहा है। तो बहुत सारे बंदे भी इस गेम को, मुझे ही पता नहीं था इस गेम के बारे में, तो मैंने जाना इस गेम के बारे में, और मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इसका एंड्रॉयड वर्सन भी ले आया आपके लिए, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। देखो यार, मिड पैक पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू क्यों खेल रहा है, पोकेमोन गेम क्यों खेल रहा है? तो ये बात मुझे लगता है कि कुछ नया क्रिएटिविटी ट्राई करना आपको, हम लोगों को सबको चाहिए, है ना, कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। एक जैसा वीडियोस डाल के ना बोर हो जाते हैं कभी सारे लोग, कभी सारे लोग नहीं भी होते क्योंकि उन लोगों को व्यूज आता है। ओके, तो यहाँ पर आके मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो जो भी इंडियन बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, सब लोगों को ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। लाइक पोकेमोन गेम्स को भी ट्राई करना चाहिए, पीसी में हो या जो में भी हो, इस गेम को आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, पोकेमोन गेम्स आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।